का ये चल रहा है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उसके आगे। तो पूछा ये गया आपसे कि महात्मा गांधी में विशेषता क्या थी, पूछा गया, क्या बोला गया, क्या विशेषता थी, सत्य और अहिंसा। तो ये पूछा गया कि क्या संभव है सत्य और अहिंसा, संभव है, ठीक, कैसे समझाया गया, ये बोला गया कि हमारी परंपरा रही है कि हम अपने आप को हर चीज में देखते हैं। आज से लगभग 2225 या 30 साल पहले कवि चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य को पूछा था, क्या पूछा था, पंडित कौन है, तो आचार्य चाणक्य ने क्या बोला था, मातृवत परदारेषु, मतलब दूसरी महिलाओं में जो अपनी मां को देखते हैं, पर द्रव्येषु लोभ, यानी कि दूसरे की संपत्ति को जो मिट्टी के जैसा समझता हो, लोभ, मिट्टी के जैसा समझता हो, आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी कि सब में खुद को देखता हो, पश्यति पंडिता, वो जो ऐसा देख पाता है वो पंडित है। 5000 साल पहले कभी अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था, कहां पूछा था, कुरुक्षेत्र में पूछा था, लड़ाई के बीच पूछा था, ये सब आप बोल रहे हैं कि जो पंडित है वो शोक नहीं करता ऐसी चीजों के ऊपर जो कि अस्थाई हो, कौन है पंडित, ये पूछता अर्जुन। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभी हस्तिनी सुनी सुपाक एवच पंडित समदर्शिना, वो व्यक्ति पंडित है जो कि ब्रह्म को जानने वाले, हाथी को, गाय को, कुत्ते को, और वो जो गंदगी साफ करता है उन सबों में एक समदृष्टा देखता है। तो भारतीय परंपरा क्या रही है हजारों साल से, ये रही है कि हम अपने आप को या अपने में जो हो सकती है उसे हर किसी में देखते हैं। इसे हम इशारों से कैसे बताते हैं, जब कोई मिलता है तो उसे हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं ना, एक हाथ सूचक होता है कि आप, एक हाथ सूचक होता है मैं, और दोनों को मैं एक जैसा देखता हूं, और हृदय से और सर से मानता हूं, बुद्धि से और हृदय से मानता हूं, इसलिए प्रणाम उसी चीज का इंगित है कि मैं आप में भी उसी ब्रह्म को देखता हूं, उसी शक्ति को देखता हूं, इसलिए आप और हम अलग हुए कि एक हुए, एक हुए, एक दिन में सीख जाओ, ये सैद्धांतिक बात है या जीने की बात है, जीने की बात है। महात्मा गांधी जी ने ये बात जिया, इसलिए महात्मा गांधी हमारे मान्य है, पूज्य है, हर जगह माने जाते हो, समझ में, महात्मा गांधी की खासियत क्या थी, वो उसी भारतीय परंपरा को जीवंत जी गए, बोला नहीं उन्होंने, भाषण नहीं दिया उन्होंने, वो जी गए उस चीज को जो कि दसियों हजार साल से हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, समझ गए, ठीक है। तो इस नए साल 2019 में क्या हम लोग कोशिश करेंगे कि हर चीज में उसी परमात्मा की आभास करें और सब में खुद को और खुद में सबको होने का अनुभव करें, जिए, ध्यान रखें, तब हम कभी भी दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले क्या रख सोचे कि दूसरे अगर तकलीफ होती है तो हमें भी तकलीफ होगी। आज का पाठ ये खत्म करें, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद।